हरे कृष्णा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप गाना गाना पसंद करते हो, लेकिन आप आपकी कंफर्टेबल वोकल रेंज के बाहर के गाने चिल्ला चिल्ला कर जब गाते हो, तब अनजाने में आप अपने साउंड बॉक्स को परमानेंटली डैमेज कर लेते हो। तो अवॉइड दिस। आपकी जो कंफर्टेबल वोकल रेंज है, उसी रेंज में आप आपका पसंदीदा गाना गाइए, वो 100% लोगों को मधुर लगेगा ही।
फ्रेंड्स, कराओके सिंगर्स ये समझ बैठते हैं कि वो कोई गाना बार बार गाना यानी उस गाने की प्रैक्टिस करना नहीं। फ्रेंड्स, गाने में गहने डालना, गाने में स्टेमिना मेंटेन करना, गाने में सुरों को बेंड कर पाना, ये जो वॉइस टेक्निक्स हैं इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। संगीत के 12 सुरों पर आपका काबू होना ज़रूरी होता है, संगीत के ताल पर आपका काबू होना ज़रूरी होता है। इसीलिए शास्त्रीय पद्धति से संगीत के जो फंडामेंटल रूल्स हैं और म्यूज़िक के जो एक्सरसाइजेज हैं, इनकी प्रैक्टिस करने से आप एक अच्छे सिंगर बन पाते हो। आजकल की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से ऑनलाइन म्यूज़िक सीखना भी बहुत आसान हो गया है। मेरे क्लासेस ऑनलाइन भी चलते हैं, जो मैं जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए या व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए करता हूँ। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है गुरु के सामने बैठकर संगीत सीखना चाहिए।